हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लेसन नंबर 4 की वीडियो नंबर 5 में आपका पुनः स्वागत है। लेसन नंबर 4, द काइट मेकर, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि ओल्ड एज में व्यक्ति और पौधे क्या होते हैं, सूर्य की धूप में अपने नाजुक अंगों को फैलाते हैं और गहरी सांस के साथ अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, अर्थात मर जाते हैं। इससे आगे रस्किन बॉन्ड क्या कहता है पतंग निर्माता के बारे में और बरगद के पेड़ के बारे में। रस्किन बॉन्ड कहते हैं, महमूद वाज लाइक द बैनियन, हिज हैंड्स नार्ल्ड एंड ट्विस्टेड लाइक द रूट्स ऑफ द एंशिएंट ट्री। इस लाइन में रस्किन बॉन्ड महमूद की तुलना बरगद के पेड़ से करते हैं। लाइक वर्ड का प्रयोग हुआ तो क्या करते हैं, उपमा देते हैं, इसमें कंपैरिजन है, सिमली है। तो महमूद बरगद के पेड़ के समान था। किस प्रकार से, दोनों में कैसे समानता है, हिज हैंड्स महमूद के हाथ, नार्ल्ड मींस महमूद के हाथों में गांठें पड़ गई थी, एंड ट्विस्टेड और ऐंठ गए थे, लाइक द रूट्स जड़ों की भांति, ऑफ द एंशिएंट ट्री उस प्राचीन बरगद के पेड़ की जड़ों की भांति, महमूद के हाथों में गांठ पड़ गई थी और ऐंठ गए थे। किस प्रकार से रस्किन बॉन्ड बैनियन ट्री की और महमूद की, ओल्ड महमूद की तुलना करते हैं, जिस प्रकार से प्राचीन बरगद के पेड़ की जड़ों में गांठें पड़ गई थी, ऐंठ गए थी, उसी प्रकार से महमूद, बूढ़े महमूद के हाथ भी, हाथों में भी गांठ पड़ गई थी और ऐंठ गए थे। बुढ़ापे में ऐसा होता है स्टूडेंट्स, नहीं होता, आपने देखा नहीं अपने दादा दादी को, जब वे बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो उनके हाथों में गांठें पड़ जाती हैं और हाथ ऐंठ जाते हैं। जरा अपने हाथों से और अपने दादा दादी के हाथों की तुलना करके देखना, आपके हाथ कितने कोमल और स्मूथ होते हैं और जो बूढ़े होते हैं उनके हाथ कितने गांठदार और ऐंठे हुए होते हैं। तो उसी प्रकार से महमूद के हाथ भी गांठदार और ऐंठे हुए हो गए थे। अली वाज लाइक द यंग मिमोजा प्लांटेड एट द एंड ऑफ द कोर्टयार्ड। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में रस्किन बॉन्ड अली, जो छोटा बालक है, की तुलना उसके, मिमोजा कहते हैं छुई मुई का पौधा, छोटे छुई मुई के पौधे से करते हैं। तो इसमें लाइक वर्ड आ रहा है, तो लाइक से सिमली होती है, तो इसमें सिमली का ही प्रयोग किया गया है। अली की तुलना छुई मुई के छोटे पौधे से की गई है, तो अली छोटे छुई मुई के पौधे के समान था, प्लांटेड जो लगा हुआ था, एट द एंड अंत में, ऑफ द कोर्टयार्ड आंगन के, आंगन के अंत में लगे हुए नन्हे छुई मुई के पौधे से अली की तुलना की गई है, कि अली आंगन के अंत में लगे हुए छोटे छुई मुई के पौधे के समान था। आगे क्या कहता है रस्किन बॉन्ड, इन टू ईयर्स Both he and the tree would acquire the strength and confidence that are characteristic of youth. Ruskin Bond कहते हैं कि दो वर्ष में both he and the tree, यानी कि अली और वह पौधा, दोनों ही, both he and the tree, अली और पौधा दोनों ही, वुड एक्वायर प्राप्त कर लेंगे द स्ट्रेंथ ताकत एंड कॉन्फिडेंस और विश्वास। अर्थात दो साल में अली और पौधे में
ताकत और विश्वास आ जाएगा। देट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूथ, जो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, यह की मत इसका मीनिंग की नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो यानी कि स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीजें आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूथ। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स विशेष गुण, क्वालिटी ऑफ यूथ युवावस्था की या जवानी की, यानी कि दो वर्ष में अली और पौधे के अंदर ताकत और विश्वास आ जाएगा, जो जवानी का गुण होता है। तो किस प्रकार से राइटर रस्किन बॉन्ड यहाँ पर महमूद की बरगद के पेड़ से और अली की छुईमुई के पौधे से तुलना करता है, क्योंकि छुईमुई का पौधा नन्ना है, छोटा है, युवा है, और अली भी छोटा है, और बरगद का पेड़ बहुत पुराना हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो उसकी तुलना महमूद से करता है। आगे क्या कहता है रस्किन बॉन्ड, दी वॉइसेज इन द स्ट्रीट ग्रू फेंटर, गली में आवाजें हल्की पड़ गई थी। ग्रू फेंटर मीन्स ग्रू वीकर, कमजोर हो गई थी, तब बहुत कम आवाज सुनाई दे रही थी। महमूद वंडर्ड इफ ही वॉज गोइंग टू फॉल एस्लीप एंड ड्रीम एज ही सो ऑफन डिड ऑफ ए ब्यूटीफुल पावरफुल काइट रिजेंबलिंग द ग्रेट वाइट बर्ड ऑफ द हिंदूज गरुड़ गॉड विष्णुज फेमस स्टीड। यस स्टूडेंट्स, देखिए, और महमूद आश्चर्य से विचार कर रहा था, आश्चर्य कर रहा था कि क्या वह एज ही सो ऑफन डिड, जैसा कि वह प्रायः बहुधा किया करता था, क्या सो जाता था और अपनी पतंग के बारे में स्वप्न देखा करता था। तो वो सोच रहा है आश्चर्य से कि क्या वह जैसा पहले की तरह वह क्या करता था, सोने और सुंदर और शक्तिशाली पतंग का स्वप्न देखने जा रहा है। जैसे महमूद सो करके दिन में अपनी पतंग के बारे में स्वप्न देखा करता था, तो उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह सुंदर और शक्तिशाली पतंग के विषय में के बारे में स्वप्न देखने जा रहा है, सोने जा रहा है और स्वप्न देखने जा रहा है। और पतंग कैसी है, रिजेंबलिंग द ग्रेट वाइट बर्ड ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं के महान पक्षी गरुड़ के जैसी, रिजेंबलिंग मीन्स लुकिंग लाइक, के समान, के जैसी, हिंदुओं के महान पक्षी गरुड़ जो विष्णु भगवान का प्रसिद्ध वाहन है। स्टीड मीन्स ऐसे हॉर्स को कहते हैं, बट हेयर इट मीन्स वाहन, व्हीकल। तो हिंदुओं के महान पक्षी गरुड़ जो विष्णु भगवान का प्रसिद्ध या लोकप्रिय वाहन है, के जैसी सुंदर और शक्तिशाली पतंग के बारे में सो करके स्वप्न देखने जा रहा है, जैसा कि वो देखा करता था, ऐसा महमूद आश्चर्य करता है। आगे क्या कहता है राइटर, ही वुड लाइक टू मेक ए वंडरफुल न्यू काइट फॉर लिटिल अली। लेखक कहता है कि महमूद छोटे नन्हे अली के लिए एक आश्चर्यजनक नई पतंग बनाना चाहेगा या बनाना चाहता है। लेखक कहता है कि महमूद अपने छोटे अली नाती के लिए एक आश्चर्यजनक नई पतंग बनाना चाहता है। ही हैड नथिंग एल्स टू लीव द बॉय, ही हैड नथिंग एल्स, उसके पास कुछ भी नहीं है टू लीव द बॉय, उस लड़के को छोड़कर जाने के लिए, पतंग के सिवाय
महमूद के पास पतंग के सिवाय अपने नाती के लिए विरासत में छोड़कर जाने के लिए पतंग के सिवाय और कुछ भी नहीं है, इसलिए वह छोटे अली के लिए एक सुंदर नई पतंग बनाना चाहता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी तो थी नहीं, विरासत के रूप में अपने अली के लिए एक छोटी सी सुंदर सी नई पतंग बनाना चाहता था, जिसे विरासत में देना चाहता था। आगे क्या कहता है राइटर, ही हर्ड अलीज वॉयस इन द डिस्टेंस। आगे राइटर कहता है कि उसने दूर से आती हुई अली की आवाज को सुना। ही हर्ड, उसने सुना अलीज वॉयस, अली की आवाज को, इन द डिस्टेंस, दूर से। वो अली की आवाज सुन रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था कि अली बहुत दूर है और वहां से बुला रहा है। बट ही डिड नॉट रियलाइज, लेकिन उसने ये नहीं समझा, दैट द बॉय वॉज कॉलिंग आउट टू हिम, कि वो लड़का उसे पुकार रहा है। देखिए है क्यों आ रहा है, वैसे तो हम पास्ट टेंस की घटनाओं को जब प्रेजेंट टाइम में कहते हैं तो प्रेजेंट में ही हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का रूल लागू हो रहा है। डिड नॉट रियलाइज पास्ट टेंस में है, दैट कंजक्शन लगा हुआ है, द बॉय वाज, तो ये इसका यहाँ अर्थ प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा, पास्ट में नहीं। परंतु उसने ये नहीं समझा कि लड़का उसे पुकार रहा है या बुला रहा है। The voice seemed to come from very far away, और ऐसा लग रहा था कि आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। किसको लग रहा था? महमूद को। तो स्टूडेंट्स आगे क्या कहता है राइटर, अली वाज एट द कोर्टयार्ड डोर आस्किंग इफ हिज मदर हैड एज येट रिटर्न्ड फ्रॉम द बाजार। लेखक कहता है कि अली वाज एट द कोर्टयार्ड डोर, अली आंगन के दरवाजे पर खड़ा था, आस्किंग पूछ रहा था, खड़ा हुआ पूछ रहा था, आंगन के दरवाजे पर खड़ा हुआ पूछ रहा था, इफ हिज मदर हैड एज येट रिटर्न्ड फ्रॉम द बाजार, कि क्या उसकी माता बाजार से लौट आई है या नहीं। फिर क्या होता है, वैन महमूद डिड नॉट आंसर, उसने अपने दादा से पूछा कि क्या उसकी माता बाजार से लौट आई है, लेकिन जब महमूद ने उत्तर नहीं दिया, द बॉय केम फॉरवर्ड रिपीटिंग हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्न को दोहराते हुए, पुनः कहते हुए लड़का आगे चल गया, आगे चला गया या आगे आया। आगे आया तो फिर क्या था, आगे देखिए स्टूडेंट्स, द सनलाइट वाज स्लैंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन्स हेड। सनलाइट, सूरज की रोशनी, वाज स्लैंटिंग, तिरछी पड़ रही थी, अक्रॉस द ओल्ड मैन्स हेड, उस बूढ़े के सिर पर सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही थी, आड़ी पड़ रही थी। एंड ए स्मॉल वाइट बटरफ्लाई वाज पर्च्ड ऑन हिज फ्लोइंग बियर्ड, और एक छोटी सी नन्ही सी सफ़ेद तितली वाज पर्च्ड, बैठी हुई थी, ऑन हिज फ्लोइंग बियर्ड, उसकी लहलहाती हुई, फ्लोइंग मीन्स लहलाती हुई या लहराती हुई या लटकी हुई दाढ़ी पर एक सफ़ेद छोटी सी तितली बैठी हुई थी। महमूद वाज साइलेंट, महमूद शांत था, बोल नहीं रहा था। वैन अली पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड ऑन द ओल्ड मैंस शुडर, और जब अली ने अपना नन्हा सांवला हाथ उस बूढ़े के कंधे पर रखा, पुट मीन्स रखा, जब अली ने उस बूढ़े के कंधे पर अपना नन्हा सांवला हाथ रखा, तो ही गोट नो रेस्पॉन्स, उसे कोई उत्तर नहीं मिला, उस बूढ़े ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि वह उस समय पर जीवित नहीं था। द बॉय हर्ड फेंट साउंड,
लड़के ने हल्की सी आवाज सुनी, फेंट साउंड, वीक साउंड, हल्की आवाज सुनी। कैसी आवाज सुनी? लाइक द रबिंग ऑफ मार्बल्स इन हिज पॉकेट, अपने जेब में पड़े हुए कंचों की रगड़ की सी आवाज, खड़खड़ाहट या गड़गड़ाहट की हल्की सी आवाज, जैसे उसकी जेब में कंचे पड़े हुए हैं और वो आपस में टकराते हैं, उनके रगड़ने की सी आवाज, हल्की आवाज उस लड़के को सुनाई दी। तो क्या इससे क्या अभिप्राय है कि उस बूढ़े व्यक्ति के शरीर से आत्मा का प्रस्थान हो रहा था। ऐसे होता है जब व्यक्ति कोई मरता है तो गले में घरघराहट सी होती है, तो अली को लगा कि जैसे उसकी जेब में पड़े हुए कंचों के रगड़ने के जैसी आवाज हल्की सी उसको सुनाई दी। तो वो चकित सा हो गया, भाई ये आवाज़ कैसी है, ये तो ऐसी है जैसे कि उसके जेब में पड़े हुए कंचों की आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ उसने सुनी। तो क्या होता है, अली अचानक क्या होता है, सडनली अफ्रेड, अचानक भयभीत होकर डर कर अली रिटर्न्ड, अली मुड़ा एंड मूव टू द डोर, और दरवाजे के ओर चल दिया। एंड देन और फिर रैन डाउन द स्ट्रीट शाउटिंग फॉर हिज मदर, शाउटिंग फॉर हिज मदर, अपनी माता को आवाज़ लगाते हुए, जोर से चिल्लाते हुए अपनी माता को आवाज़ लगाते हुए फिर वह लड़का गली में दौड़ता चला गया। डर गया कि उसने ऐसी आवाज़ सुनी, कोई उत्तर नहीं मिला, तो उसे थोड़ा सा ये डाउट हो गया कि उसका दादा मर गया है। तो भयभीत होकर के वो अली मुड़ा दरवाजे की ओर चला गया और गली में अपनी माता को आवाज़ लगाते हुए पुकारते हुए गली में दौड़ता चला गया। फिर क्या होता है, एंड इन द बैनियन ट्री, और बरगद के पेड़ में, एंड इन द बैनियन ट्री, और बरगद के पेड़ में ए सडन गस्ट ऑफ विंड, ए सडन गस्ट, गस्ट में सोता झोंका, ब्लो ऑफ विंड, हवा का। बरगद के पेड़ में फिर क्या होता है, बरगद के पेड़ में ए सडन गस्ट ऑफ विंड, हवा के अचानक तेज झोंके ने कोट द टॉर्न काइट, उस फटी हुई पतंग को पकड़ लिया, अर्थात उठा लिया। जो फटी हुई पतंग बरगद के पेड़ में फंसी हुई थी उसको उठा लिया, सहारा दिया, एंड लिफ्टेड इट, और इसे उठा दिया इन टू द एयर, हवा में। बरगद के पेड़ में फंसी हुई फटी हुई पतंग को हवा के अचानक तेज झोंके ने ऊपर निकाला और उसे हवा में उठा दिया, लिफ्टेड इट इन टू द एयर, उसे हवा में उठा दिया अर्थात उड़ा दिया। कैरियंग इट फार अबव द स्ट्रगलिंग स्वेटिंग सिटी इन टू द ब्लू स्काई, और उस पतंग को उड़ा करके, उड़ाते हुए, इट कैरिंग इट, इसको ले आते हुए अर्थात उड़ाते हुए, हवा अपने साथ उड़ा करके ले आते हुए, कार्यती फार अबव, ऊपर से द स्ट्रगलिंग, संघर्षशील, स्वेटिंग, पसीना बहाते हुए शहर के ऊपर, आकाश में, नीले आकाश में उड़ाते हुए ले गई। यानी बरगद के पेड़ से पतंग को निकाला और पतंग को उड़ाते हुए, संघर्षशील, पसीना बहाते हुए शहर के ऊपर, नीले आकाश में उड़ाते हुए ले गई। तो संघर्षशील और पसीना बहाते हुए शहर का मीन्स है कि उस शहर के ऊपर से हवा पतंग को नीले आकाश में उड़ाते हुए ले गई, जिस शहर के अंदर लोग अपनी जीविका को कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और परिश्रम कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे। तो यहाँ बरगद के पेड़ में फंसी हुई पतंग का हवा के झोंके से बाहर निकलने का और उड़ जाने का जो अभिप्राय है वो ये है कि जैसे ही उस फटी हुई पतंग को हवा का झोंका उस पेड़ में से निकाल करके उड़ा कर ले जाता है, ठीक उसी प्रकार से उसी समय महमूद की आत्मा भी महमूद के शरीर से निकल करके चली जाती है। पतंग का
पेड़ से निकल करके उड़ जाना इस बात को इंडिकेट करता है कि ठीक उसी समय महमूद भी मर गया था और उसकी आत्मा स्वर्ग के लिए उड़ चली थी, प्रस्थान कर गई थी। तो आई थिंक मैं समझता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। इसको पुनः पढ़ें और पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक्स।